इस साल की पहली सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल 2024 को है। ये चैत्र महीने की अमावस्या होगी। इस बार चैत्र अमावस्या तिथि 8 अप्रैल 2024 सोमवार को सुबह 3:21 पर शुरू होगी। सोमवती अमावस्या तिथि इसी दिन रात 11:50 तक रहेगी। स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:32 से सुबह 5:18 तक रहेगा। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान सूर्य राहु से ग्रसित हो जाते हैं और इस वजह से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देने वाला है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे देश समेत मेष से मीन राशि तक सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए सूर्य ग्रहण शुभ फलदायी रहेगा तो कुछ राशियों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक साल में 3 या उससे अधिक ग्रहण शुभ नहीं माने जाते हैं। बताया जाता है कि अगर ऐसा होता है तो प्राकृतिक आपदाएं और सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। ग्रहण से देश में रहने वाले लोगों को नुकसान होता है, बीमारियां बढ़ती है, देश की आर्थिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव आते हैं। ऋषि मुनियों को ग्रह नक्षत्रों की इस घटना का ज्ञान बहुत पहले से ही है। महर्षि अत्रि ग्रहण के ज्ञान को देने वाले प्रथम आचार्य माने गए हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र में यह चमत्कारी वर्णन मिलता है कि हे सूर्य, असुर राहु ने आप पर आक्रमण कर अंधकार से आपको ढक दिया है। उससे मनुष्य आपके रूप को पूर्ण रूप से देख नहीं पाए और हतप्रद हो गए। तब महर्षि अत्रि ने अपने अर्जित ज्ञान की सामर्थ्य से छाया का दूरीकरण कर सूर्य का उद्धार किया। भारत के अलावा ग्रहण को आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, दक्षिण नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका, जापान, रूस का पूर्वी भाग, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर शेष ऑस्ट्रेलिया और अधिकांश अफ्रीका में देखा जा सकेगा। ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य न करे, किसी मांगलिक कार्य का संकल्प न ले। ग्रहण के दौरान कोई भी धार्मिक अनुष्ठान न करे। सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान का जाप और ध्यान करना चाहिए। खाने के सामान में तुलसी दल को रख दे ताकि सामान और खाने की वस्तु पवित्र रहे। ग्रहण के दिन शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए और साथ ही इस दिन गरीबों को भी दान करना चाहिए। ग्रहण काल में मंत्र जाप, स्तुति और ध्यान करना विशेष लाभकारी होता है। आप ओम नमः शिवाय या ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। चंद्रमा के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यदि आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं तो वह भी ग्रहण काल में विशेष शुभ होता है। ग्रहण के समाप्त होने पर किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्तुओं का दान करें। इस दिन चावल, चीनी, दूध या चांदी का दान करना सर्वोत्तम माना जाता है। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।